जो लोग खड़े हैं, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो सावरकर हो, ये डरपोक लोग हैं और जिस दिन हम एक साथ खड़े हो गए ये भागेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में एक ऐसा बयान दे डाला जिसने समूचे भारतवर्ष की जनता के दिल को झकझोर के रख दिया। माना कि कांग्रेस पार्टी की एक अलग विचारधारा है, आप सरकार की नीतियों का खुलकर विरोध कीजिए, विकास के मुद्दों पर मोदी जी से सवाल कीजिए, किंतु जिस महान व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन देश की आजादी के लिए लगा दिया, उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन स्वराज्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हुए व्यतीत कर दिया, उनको गालियां देने का, कायर बोलने का आपको कोई हक नहीं है। एक तरफ तो आप गांधी जी और नेहरू जी को महान बोलते हो, दूसरी तरफ भारत के महान क्रांतिकारी वीर सावरकर जी को कायर कहते हो। यही सोच कांग्रेस पार्टी के ताबूत में अंतिम कील का कार्य करेगी। कांग्रेस पार्टी भी नेहरू और गांधी की विचारधारा पर चल रही है, लेकिन बीजेपी या मोदी जी ने इन नेताओं के बारे में कभी भी ऐसा घटिया और निम्न स्तर का बयान कभी नहीं दिया। यही अंतर है कांग्रेस और बीजेपी की विचारधारा में। वीर सावरकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रिम पंक्ति के सेनानी एवं प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे। वीर सावरकर विश्वभर के क्रांतिकारियों में अद्वितीय थे। उनका नाम ही भारतीय क्रांतिकारियों के लिए उनका संदेश था। एक महान क्रांतिकारी, इतिहासकार, समाज सुधारक, विचारक, चिंतक, साहित्यकार थे। उनकी पुस्तकें क्रांतिकारियों के लिए गीता के समान थी। उनका जीवन बहुआयामी था। सावरकर जी दुनिया के अकेले ऐसे योद्धा थे जिन्हें दो दो आजीवन कारावास की सजा मिली थी, सजा को पूरा किया और फिर से वे राष्ट्रवादी जीवन में सक्रिय हो गए। वे विश्व के ऐसे पहले लेखक थे जिनकी कृति 1857 का प्रथम स्वतंत्रता को दो दो देशों ने प्रकाशन से पहले ही प्रतिबंधित कर दिया था। वे पहले स्नातक थे जिनकी स्नातक की डिग्री को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण अंग्रेज सरकार ने वापस ले लिया था। वीर सावरकर पहले ऐसे भारतीय विद्यार्थी थे जिन्होंने इंग्लैंड के राजा के प्रति वफादारी की शपथ लेने से मना कर दिया था, फलस्वरूप उन्हें वकालत डिग्री लेने से रोक दिया गया था। वीर सावरकर जी ही पहले ऐसे भारतीय राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने सर्वप्रथम विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी। वीर सावरकर जी ने ही राष्ट्र ध्वज तिरंगे के बीच में धर्म चक्र लगाने का सुझाव सर्वप्रथम दिया था, जिसे तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने स्वीकार किया था। उन्होंने ही सबसे पहले पूर्ण स्वतंत्रता को भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का लक्ष्य घोषित किया था। वे पहले क्रांतिकारी थे जिन्होंने राष्ट्र के सर्वांगीण विकास का चिंतन किया था, तथा बंदी जीवन समाप्त होते ही जिन्होंने अस्पृश्यता आदि कुरीतियों के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया था। सावरकर जी द्वारा लिखित पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 एक सनसनीखेज पुस्तक रही जिसने ब्रिटिश शासन को हिलाकर रख दिया था। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के बारे में दो शब्द कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि जनता की आवाज खुल सके। जय हिंद, जय भारत।